हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वीडियो लेकर आया हूं और इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने लेन देन को मेंटेन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप किसी को पेमेंट देते हैं या फिर किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसे एक लेजर बाई लेजर की तरह बिल्कुल सेम टू सेम एंट्री डाल सकते हैं। पेमेंट को अलग और रिसिप्ट को अलग आपका टोटल बैलेंस बताता जाएगा कि आप माइनस में हैं कि प्लस में हैं। बिल्कुल उसी तरह फ्रेंड्स, जिस तरह आप मोबाइल ऐप वगैरह यूज करते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि उनका रिकॉर्ड उनके पास रहे, वो नहीं चाहते कि उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन हो, कोई कंपनी वगैरह शायद उनका मिसयूज ना करे या कुछ भी, तो थोड़ा डरते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनका जो लेन देन का रिकॉर्ड है वो ऑफलाइन रहे एक्सेल वगैरह में और उसे प्रिंट भी कर सके अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ही शीट मैंने आप लोगों के लिए एक बनाया है। काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट था कि आप पेमेंट रिसिप्ट के ऊपर भी एक शीट बनाइए। तो वैसे भी काफ़ी दिन से मैं वीडियो चैनल पर नहीं डाल रहा था लेकिन अब कंटिन्यू है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में आपको इस शीट के बारे में पूरा बताऊंगा, आपके सामने पूरा मैं डिज़ाइन करूंगा। यदि आप चाहें तो अपने हिसाब से भी शीट को डाउनलोड करके उसे मॉडिफाई करके अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, बाकी चीज़ें कंप्यूटर पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो शीट हम बनाने वाले हैं वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पर देखिए, सभी पार्टी का आपका नेम शो कर रहा है, उसका आपका बैलेंस शो कर रहा है माइनस में है कि प्लस में है, साथ में टोटल का आपका यहाँ पर शो कर रहा है। और किसी भी पार्टी के लेजर पे आप जाना चाहते हैं तो आप सीधे गो पे क्लिक कीजिए, आप उस पार्टी के लेजर पे चले जाएंगे। आपको जो भी एंट्री डालना है आप यहाँ से एंट्री डाल सकते हैं। फिर से आपके यदि इंडेक्स पे जाना है तो आप सीधे इंडेक्स पे यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, इंडेक्स पे पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके पास 50 पार्टी है तो 50 पार्टी के लिए आपको सीट डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक मास्टर सीट डिजाइन करेंगे और वही ऑटोमेटिक सबके साथ लग जाएगा। तो चलिए आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और न्यू सीट लेकर एक न्यू एक्सेल वर्कबुक लेकर आपको पूरा डिजाइन करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक फ्रेश सीट ले लिया है और यहाँ पर हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे व्यू पर और यहाँ से पेज लेआउट लेंगे। पेज लेआउट हम इसलिए लेंगे कि जिससे हम जो भी डेटा हम लेजर बनाएं तो प्रिंट हो आसानी से A4 शीट पे। तो अब हम यहाँ से 5 कॉलम को ले लेते हैं, तो यहाँ से हम 4 कॉलम को ले लेते हैं और यहाँ से इसको मर्ज कर देते हैं। इसमें हम टाइप कर देते हैं लेजर। लेजर और इसमें हम टाइप कर देते हैं इंडेक्स और उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें टाइप करते हैं अकाउंट ऑफ बाद में भी हम इसको साइज एडजस्ट कर लेंगे। इसमें हम टाइप करते हैं अकाउंट नेम रह जाएगा और यहां पर टाइप करते हैं एड्रेस। एड्रेस के लिए आप जैसे भी टाइप करना चाहें और कॉन्टैक्ट नंबर और फ्रेंड्स उसके नीचे हम टाइप करते हैं डेट और यहाँ पर हम टाइप करते हैं पर्टिकुलर्स और यहाँ से हम इस साइज को बड़ा कर देते हैं। पर्टिकुलर थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए। पर्टिकुलर के बाद में फ्रेंड्स हम लिखेंगे रिसीव्ड और इसमें लिखेंगे पेमेंट और हम इसमें टाइप करेंगे बैलेंस। अब हम फ्रेंड्स इसको करेंगे एडजस्ट। तो एडजस्ट करने के लिए रिसीव पेमेंट को हम कर देते हैं कलर ग्रीन, जैसे आपको जो करना हो कर सकते हैं। पेमेंट को हम कर देते हैं यहाँ से रेड, ओके, ज़्यादा रेड हो गया और इसको थोड़ा सा कम रखते हैं, ठीक है, या फिर रेड ही रख लेते हैं। मोर कलर पे जाकर यहाँ से लाइट रेड रख लेंगे, ओके। और बैलेंस को हम रख लेते हैं ब्लू कलर में, हल्का सा इस तरह से स्काई ब्लू या डार्क हो गया। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके या फिर सभी को सिलेक्ट करके हम फॉन्ट कलर वाइट देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इधर हम फिल कर लेते हैं हल्का सा स्काई ब्लू, इसमें भी स्काई ब्लू फिल कर लेते हैं। तो पेमेंट रिसीप्ट अब हम इसको सिलेक्ट करके दे देते हैं बॉर्डर। एक ही सीट हमें फ्रेंड्स बनाना होगा, ज़्यादा सीट बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करके कर देते हैं मर्ज। यहाँ पे हम फ्रेंड्स लिखते हैं टोटल रिसीव्ड, थोड़ा सा साइज बड़ा करने पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं टोटल पेमेंट
और इसमें हम बैलेंस बैलेंस पर्टिकुलर को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, एक सीट पे हो, आराम से एडजस्ट हो जाए एक सीट पे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा पेमेंट रिसिप्ट का जगह आप अपने पेमेंट के साथ देख लीजिए, यदि बड़ी पेमेंट है तो थोड़ा जगह ज़्यादा दीजिए, छोटी छोटी पेमेंट है तो थोड़ा जगह कम में भी काम चल जाएगा। अब इसको हम सबको सेलेक्ट करके कर देते हैं सेंटर, और इन सबको भी हम कर देते हैं बोल्ड, बोल्ड आउटलाइनिंग, आउट बॉर्डर दे देते हैं इसे भी आउट बॉर्डर, इसे भी आउट बॉर्डर, आउट बॉर्डर, और इसे भी आउटसाइड बॉर्डर। फ्रेंड्स इतना तो हमारा बन गया। ओके, अब हम इसमें फार्मूले भी साथ में लगाएंगे, तो चलते हैं फार्मूले लगाते हैं। इसमें भी हम एक कलर फिल कर लेते हैं, स्काई ब्लू ही अच्छा लगेगा, कंबाइन कलर रहेगा इन सबके साथ। इसको साथ में सेलेक्ट करके बोल्ड और वाइट, अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। जैसे मान लीजिए रिसीव हुआ 500, एक टाइप कर लेते हैं, बाद में हटा भी सकते हैं, और इसको 500 पेमेंट। यदि फ्रेंड्स आप रुपए का साइन देना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे चले जाइए, और यहाँ से करेंसी, और यहाँ से जाकर आप इसमें रुपए का साइन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको देखिए रुपये हिंदी ओके सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर फिर से 500 रिसीव्ड। अब देखते हैं फार्मूला लगाकर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे बैलेंस में। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बैलेंस का फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले इजिकल टू, यदि हमें रिसीव्ड से पेमेंट को माइनस करना है तो हमें रिसीव्ड वाले सेल को सिलेक्ट करना होगा। ओके, जो रिसीव्ड पेमेंट किए, तो रिसीव ओके माइनस पेमेंट वाले सेल को डी 6 को ओके एंटर, तो 500 हमारे पास बैलेंस आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स अब यहां पर हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट बैलेंस लाना है, तो इजिकल टू ओपनिंग बैलेंस, मतलब पिछला बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीव्ड माइनस पेमेंट एंटर। तो फ्रेंड्स 500 रिसीव्ड हुआ, 500 पेमेंट हुआ, बैलेंस जीरो। यदि 400 पेमेंट रहता तो बैलेंस 100, यदि 350 पेमेंट रहता तो 150 बैलेंस। तो फार्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, थोड़ा देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा और डार्क कर देते हैं। ठीक है, इसको सेंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसके लिए टोटल रिसीव, क्योंकि यहाँ पर तो बैलेंस आए, साथ में यहाँ भी टोटल का बैलेंस आए कि हमने टोटल बिजनेस कितना किया, टोटल पेमेंट कितना रिसीव किया है आज तक, और टोटल रिसीव पेमेंट कितना किया और टोटल पेमेंट कितना किया। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इजिकल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज रेंज साइन डालकर, और जितना ज़्यादा आप चाहें, क्योंकि 10 लाख कॉलम प्लस है इसमें, तो आप तो यहाँ पर मैं 1 लाख कॉलम को टाइप कर देता हूँ, सॉरी 1 लाख रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कि जब तक 1 लाख डेटा टाइप करेंगे तब तक ये इसमें आपको सम शो करता रहेगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर, सॉरी यहाँ पर सी वाला ही लेना, सी वन ओके एंटर। तो आ गया आपका रिसीव टोटल, यदि हम यहाँ पर भी टाइप करते हैं 500, तो यहाँ पर देखिए 1000 हो जाएगा। ओके, उसी तरह से फ्रेंड्स हम इस पर क्लिक करेंगे पेमेंट पे, इजिकल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, सेल को सिलेक्ट कर लिए, रेंज फिर से डी 1 लाख, ब्रैकेट क्लोज एंटर, मतलब जितना आप इधर रखें उतना ही आप इस साइड भी रखिएगा, एंटर ओके। तो यहां पर टोटल पेमेंट शो कर गया। उसके बाद फ्रेंड्स बैलेंस, फ्रेंड्स मैं मास्टर शीट बना रहा हूं, एक ही शीट में बनाऊंगा, बाकी जितने भी पार्ट होंगे ऑटोमेटिक शीट बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बैलेंस इजिकल टू रिसीव्ड माइनस
पेमेंट एंटर बैलेंस 150 रुपया। तो हमारा बैलेंस भी यहाँ पर शो कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, आप बोल्ड करना चाहें तो इसे बोल्ड कर सकते हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा। यदि आप एक्सेल का वीडियो देख रहे हैं तो पहले से काफ़ी एक्सपर्ट हैं आप, तो कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। अब इतना हमारा इस पे शीट बन गया। अब फ्रेंड्स इंडेक्स को सेंटर कर लेते हैं, अभी फार्मूले लगा के इसको लिंक करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसका शीट रीनेम कर देते हैं, आपकी मर्जी है, आप नेम देना चाहते हैं तो दें, लेकिन मैं यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मास्टर शीट, मास्टर टाइप कर देता हूँ ओनली। ओके मास्टर, जैसे टाइप किए हैं स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, गलत सलत जो भी हो, पर ऐसा ही आपको फार्मूले में भी टाइप करना होगा। मास्टर हमने टाइप कर लिया। अब फ्रेंड्स एक और हम यहाँ पर शीट बनाएंगे, जो कि शीट रहेगा इंडेक्स का। तो इंडेक्स पे शीट बनाने के लिए हमें जहाँ पर हम क्लिक करके किसी भी पार्टी के लेजर पे जा सकते हैं और इंडेक्स पे ही हम उसका बैलेंस भी चेक कर सकते हैं बिना ओपन किए हुए। तो हम इस शीट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं SN सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। उसके बाद में हम फ्रेंड्स इसमें टाइप करते हैं अकाउंट हेड, आपको टाइप करना है तो कीजिए अकाउंट हेड, जिसके भी नाम से अकाउंट है। सीरियल को हम छोटा कर लेते हैं, इतना ज़रूरत नहीं है सीरियल का, अकाउंट हेड। उसके बाद फ्रेंड्स हमें गो को क्लिक करने के लिए या फिर बैलेंस को, बैलेंस बैलेंस, और सीधे हम यहाँ पर एक गो बनाएंगे जिससे क्लिक करेंगे सीधे उस पार्टी तक पहुँच जाएंगे। उसी तरह से फ्रेंड्स सेम टू सेम हम इधर भी इसको हम आउट बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है, ऑल बॉर्डर, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल वी, इधर भी हम एक सीरियल रखेंगे अकाउंट हेड बैलेंस और इस साइड पर गो, सभी को सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं आउट बॉर्डर, ठीक है। जैसा आपको कलर फिल करना है आप उनके हिसाब से कलर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसको इतना हाफ मर्ज कर देंगे, इसमें लिखेंगे टोटल बैलेंस और इस साइड में फ्रेंड्स हम फार्मूला लगाएंगे अभी जब शीट बन जाएगा तो, और इसमें टोटल बैलेंस शो करेगा। इंसर्ट एक और ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर और इसमें हम लिख देते हैं इंडेक्स, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए ना शीट इंडेक्स, जब शीट अच्छा लगता है देखने में तो काम करने में मज़ा आता है। तो ठीक है हम यहाँ से साइज बड़ा कर देते हैं, अब इसको भी हम चाहें तो थोड़ा सा अलग से। अब फ्रेंड्स हम इधर सीरियल बना लेते हैं, इस साइड में हम 1 से लेकर यहाँ पर, आप चाहें तो ऑटोमेटिक फिल सीरियल भी पे जा सकते हैं, सीरियल पे जाकर अब यहाँ से कॉलम में 1 to 25 बना लेते हैं। ओके तो देखिए 1 से लेकर 25 तक इधर बन गया और यहाँ से इधर से 26 से 50 बना लेते हैं 26 फिर सीरियल, हमें से मैनुअली बना लिए दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो हमारा जो सीरियल है 50 से 50 बन गया। अब इसको हम सबको बॉर्डर दे देते हैं, वैसे ज़्यादा आपके पास अकाउंट है तो आप ज़्यादा सीरियल बना लीजिए, वैसे इतना तो बहुत है 50 अकाउंट ऑल बॉर्डर। ओके अकाउंट हेड को कम करना है कम कर लीजिए, बैलेंस आपको लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा बैलेंस है आपका तो बैलेंस बढ़ा सकते हैं साइज। पार्टी नेम लिखेंगे लेकिन पार्टी नेम ऐसे नहीं लिखेंगे, चलिए आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ। ओके इसका हम रीनेम कर लेते हैं और रीनेम हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं इंडेक्स, इंडेक्स। ओके अब हमारे फ्रेंड्स दो सीट है, एक इंडेक्स है और दूसरा मास्टर है। ओके अब फ्रेंड्स मास्टर में भी और हमें काम करना है, हम इसको यहां से डिलीट कर देते हैं, इस तरह से इसको सिलेक्ट करते हैं। डेट आप चाहे तो ऑटो डेट भी ले सकते हैं और अब मैनुअली डेट भी कंट्रोल कॉमा से आप इस तरह से डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ का फॉर्मूला मत लगाइएगा नहीं तो वो बाद में चेंज हो जाएगा फॉर्मूला अपने आप। तो हम यहां से इसको इस तरह से सिलेक्ट करके और इंसर्ट पे जाके टेबल में कन्वर्ट करेंगे, जिससे ये ऑटोमेटिक फ्लैश डेटा काम करता रहे, जैसे कि यहाँ पर ओके। फार्मूला तो अभी तक हमने यहाँ तक लगाया लेकिन मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं 500 और एंटर करें और 200 फिर से करें तो डेटा ऑटोमेटिक नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपडेट होता जाए, इसलिए हमने फ्लैश लगाया है यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट कर दिया। फिर से यदि आपको टेबल को हटाना है तो टेबल डिजाइन पर जाकर कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करके आप जो अभी टेबल लगाए हैं इसे हटा सकते हैं।
तो हमें हटाना नहीं है। तो हमारा सीट बनकर तैयार है, इंडेक्स को अभी हमें लिंक करना है, नहीं तो हमें जितना भी सीट बन जाएगा, जितना भी लेजर बन जाएगा, उसको बार बार लिंक करना पड़ेगा। तो हम राइट क्लिक कर लेते हैं, लिंक पर जाते हैं और इसे हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर जाकर इंडेक्स के साथ सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं, जिससे हम इसको सिलेक्ट करके वाइट कर देते हैं, बोल्ड अंडरलाइन हटा देते हैं। अब फ्रेंड्स हम इंडेक्स पर जैसे क्लिक करेंगे इंडेक्स पर पहुंच जाएंगे। ओके देखिए इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास लगभग लगभग मास्टर शीट तैयार है। इसमें और भी आप फंक्शन डालना चाहते हैं तो यदि कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इस पर एक नेक्स्ट अपडेट वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, हम यहाँ एक और शीट लेते हैं और इस पर हम लिख देते हैं नेम। ओके रीनेम कर देते हैं, इसको लेते हैं नेम्स कर देते हैं। ओके नेम या नेम्स जो मर्जी नाम लिखिए। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जितनी भी कंपनी है, जितनी भी कंपनी का लेजर बनाना है, आप बस उसका नाम टाइप कर दीजिए, जैसे MS राम सिंह, जो जो भी आपको टाइप करना है आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टाइप किया हूँ। ओके फ्रेंड्स मैं 7 नेम टाइप किया हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि वैसे सिंगल सिंगल भी आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर Alt प्लस F11 फंक्शन की से प्रेस करूँगा कीबोर्ड का और मैं आ जाऊँगा VBA कोड पे, विजुअल बेसिक पे, इंसर्ट पे जाऊँगा मॉड्यूल और यहाँ पर कुछ कोड टाइप किया हुआ है जिसमें मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया था, तो इसको मैं यहाँ से सीधे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये जो लास्ट रो आपको यहाँ पर 16 दिख रहा है आप इसके अकॉर्डिंग टाइप कीजिएगा। जैसे कि अभी नेम वाले कॉलम में हमने सिर्फ यहाँ पर 7 ही नेम टाइप किया है, तो इसमें आप यहाँ पर सिर्फ 7 रखिएगा। ओके यदि आप 1 नेम रखते हैं तो सिर्फ 1 नेम रखिएगा। तो हमने 7 नाम टाइप किया है, 7 कंपनी का नेम टाइप किया पार्टी का, तो 7 रख लिया। ओके सीट नेम जहाँ से ये डेटा उठ कर लेजर बनेगा उस सीट का रीनेम क्या है, तो हमने क्या रखा, अभी हमने रखा नेम्स, जो नेम है देखिए नेम्स हमने रखा, तो इसमें भी आपको यहाँ पर नेम्स रखना है। देखिए नेम्स यहाँ पर रखना है और भी जहाँ जहाँ भी आपको देखिए कि यहाँ पर नेम्स दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी आपको नेम्स रखना है। यदि आप जहाँ पर सीरियल से टाइप कर रहे हैं पार्टी का नेम, उसका जो भी सीट नेम है वह उसी सीट नेम को आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, नहीं तो आपका कोड सही से काम नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स उसके बाद में आता है V2 कि जो रीनेम होगा सीट, जैसे मान लीजिए कि ये जो इंडेक्स है ये किसी पार्टी के नेम से, सॉरी ये जो मास्टर सीट है किसी पार्टी के नेम से, तो जिस नेम से सीट रहेगा वही नेम इसमें आना चाहिए अकाउंट ऑफ में। तो अकाउंट ऑफ हमारा क्या है, तो B2 है ना, ये जो सेल है हमारा कितना है B2 है, जिसमें हमारा अकाउंट नेम पार्टी का नेम टाइप होगा, साथ में सीट नेम रीनेम होगा। तो हम यहाँ पर B2, यदि आपका कुछ और सीट डिजाइन किए हैं और उसका वैल्यू कुछ और है तो आप यहाँ पर वो वैल्यू टाइप कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर 7 टाइप किया। ओके अब हम क्या करते हैं, यहाँ से प्ले करके देखते हैं, यदि काम करेगा तो डन आ जाएगा, नहीं तो देखिए डन है ना, डन कैसे सीट है, तो उस तरह से आप डन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डब, क्या प्रॉब्लम है, तो टेम्पलेट में प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स टेम्पलेट्स में प्रॉब्लम इसलिए है कि जो टेम्पलेट्स जो हमारा जो मास्टर सीट है वो टेम्पलेट्स नहीं है, क्योंकि मैंने पहले टेम्पलेट रखा था, अब मैंने मास्टर रख दिया, तो मैं यहाँ पर मास्टर करूँगा। ओके मास्टर और देख लीजिए कहीं टेम्पलेट्स है तो नहीं है। अब फिर से यहाँ से हम एक बार सीट चेक कर लेते हैं, सीट में कुछ ठीक है मास्टर ही है। हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर प्ले करते हैं। ओके सर कहीं स्पेस प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत नहीं है, और सीधे यहाँ पर हम प्ले कर देते हैं, बस डन हो गया जितना नेम था। फ्रेंड्स यदि आपको सिर्फ सिंगल बनाना है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमने सबको बना लिया, हमारे पास यहाँ पर 5 6 7 जितना भी है, लेकिन बाद में फिर हमें लगता है कि नहीं यार एक और अकाउंट बनाना है, तो क्या करना होगा, हमें नेम वाले पर जाइए और सबको डिलीट कर दीजिए, ठीक है, और जेके LTD के नाम से बना लीजिए, ठीक है। अब Alt F11 पे जाइए और यहाँ पर रो में सिंगल रखिएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने एक ही लाइन यूज किया ना, एक ही रो यूज किया, तो सिंगल रख के और यहाँ से प्ले कर दीजिए।
देखिए डन हो गया। देखिए यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं, तो जेके प्राइवेट लिमिटेड से एक और अकाउंट बन गया। और फ्रेंड्स हमारे पास इतना अकाउंट है, अब आपको इसे लिंक कैसे करना है, जैसे हम सीधे इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अभी हमें नीचे से सिलेक्ट करने पड़ रहा है ना, नीचे से सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रहा है, तो हम इंडेक्स पे चले जाते हैं। हम यहाँ पर चाहे तो उस नेम को सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते थे, जैसे यहाँ पर, और भी यहाँ पर फॉर्मूले हैं जो एक बार में आप ला सकते हैं, तो फार्मूले काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बस आप फार्मूले लगा देते तो सबके सब ऑटोमेटिक सीट आ जाता। तो काफ़ी लंबे लंबे फार्मूले हैं जिससे सीट और ज़्यादा आपको बनाने में आपको सीट मेहनत लगेगा। तो चलिए हम नॉर्मल तरीके से टाइप कर लेते हैं यहाँ पर जो जो भी नेम है, तो इस सब को कॉपी कर लेते हैं सीधे यहाँ से, कंट्रोल सी कॉपी, इंडेक्स पे आकर यहाँ पर कंट्रोल वी कर लेते हैं, सब नेम आ गया। फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक रह गया जे के, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखिएगा जैसा सीट नेम है, सेम टू सेम सीट नेम ही लिखिएगा, जे के प्राइवेट लिमिटेड, ओके जो भी है एग्जाम्पल के लिए, तो जे के प्राइवेट लिमिटेड हम लिख लिए। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बॉर्डर देना है तो आप ऑल बॉर्डर दे दीजिए। अब सीधे यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसे हम क्लिक करेंगे तो सीधे इस सीट पर पहुँच जाएंगे, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे हाइपरलिंक का इजिकल टू, वैसे तो फ्रेंड्स आप चाहें तो राइट क्लिक करके हाइपरलिंक पे जाके और आप यहाँ से एक सिंगल सिंगल करके सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले से हम इसे आसान कर लेते हैं, तो इजिकल टू हाइपर, हाइपरलिंक आ जाएगा, हाइपरलिंक इन्वर्टेड कॉमा हैश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद में एंड। अब हमारा वैल्यू कौन सा है, तो बी फोर है, राम सिंगल बी फोर है ना वैल्यू, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे बी फोर गो टाइप कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज, देखते हैं काम करता कि नहीं करता। ओहो गलती कहाँ हो गया, तो फ्रेंड्स फार्मूला हमारे यहाँ पर लग गया, थोड़ा मिस्टेक था सही हो गया। तो यहाँ पर गो पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए हम राम सिंह वाले सीट पर आ गए, लेजर पे आ गए, हेडर को थोड़ा कम कर लेते हैं, इंडेक्स पे क्लिक करेंगे सीधे इंडेक्स पे आ गए। उसके बाद फ्रेंड्स चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा अच्छा लुक दें, अंडरलाइन को हटा दें, बोल्ड कर दें, इसको हम डार्क ग्रीन कर दें फिल, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम चाहें इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक कर देंगे तो जहाँ तक भी सेल है 25 तक यहाँ पर एक्टिव हो गया। अब मान लीजिए कि हमें जेके प्राइवेट लिमिटेड पे अकाउंट को ओपन करना है लेजर को, तो सीधा हम यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे, जेके प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर हैंड बन जाएगा, आप जिसके भी अकाउंट पे जाना है आप यहाँ से जेके पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर चले जाएंगे इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स इस साइड भी सेम फार्मूले को कॉपी करना है, तो इस फार्मूले पर जाइए, कंट्रोल सी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी और यहाँ पे आकर कंट्रोल वी और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी, लेकिन फ्रेंड्स राम सिंह के साथ ही अटैच है, तो यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे तो देखिए राम सिंह का अकाउंट ओपन होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो वैल्यू है बी फोर को हम इसको एफ फोर में बदल देंगे, बी फोर को एफ कर देंगे, हमें ए वाला सेल चाहिए, एंटर, इसको भी हम यहाँ से ग्रीन करके अंडरलाइन हटा के बोल्ड कर देंगे, सेंटर और डबल क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर सभी में अप्लाई हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हमें बैलेंस बनाना है, तो उससे पहले क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं, सेव एज, अब इसको हम डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम इसे एक्सेल वर्कबुक में नहीं सेव करेंगे, एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करेंगे, जिसे जो हमने कोड लगाया है वो हमेशा रहे, डिलीट ना हो जाए, जो VBA कोड लगाया हमने विजुअल बेसिक में, इसीलिए तो एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक, और इसको सेव कर देते हैं, आप इसी में सेव कीजिएगा, ऐसे एक बार सेव कर लीजिएगा तो बार बार उसी में सेव होगा। अब हमें फ्रेंड्स बैलेंस को अटैच करना है, तो बैलेंस के लिए हमें देखना है कि इसका बैलेंस कौन सा सेल में है, तो ये जो बैलेंस है यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर टाइप करते हैं 4450, तो ये जो बैलेंस है यहाँ पर E4 में है, तो E4 में है, तो क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, इजिकल टू जिसमें फ्रेंड्स नेम में स्पेस है, वैसे सभी में आप लगा लीजिए, अपर कॉमा, नाम टाइप कर दीजिए जो इसमें नाम है, राम सिंह, राम सिंह
कॉमा क्लोज एंड साइन, और ई फोर में ब्रैकेट क्लोज, फिर सीधे आप एंटर कर दीजिए। तो बैलेंस यहाँ पर जीरो आ रहा है क्योंकि राम सिंह का बैलेंस यहाँ पर जीरो है। यदि हम यहाँ पर 900 डाल देते हैं तो क्या बैलेंस इंडेक्स पे 900 आएगा। देखिए 900 आ गया। इसी तरह से फ्रेंड्स इजिकल टू सबको हम कर लेंगे कॉमा। तो फ्रेंड्स हमने इतना इस पर बना लिया। बस थोड़ा सा ये तो है नहीं कि रोज रोज अकाउंट, अब बहुत सारे अकाउंट होता है, कभी कभी तो अकाउंट बनाना होता है, बाकी तो डेटा एंट्री ज़्यादा करना होता है, तो बहुत थोड़ा समय लगेगा आपका और ये तैयार हो जाएगा। एक साथ में बहुत सारा करना होता है, एक बार आपको थोड़ा मेहनत करने पड़ेगा। तो ये हमारा तैयार हो गया, ठीक है। यदि मान लीजिए आर के वाले पे चले जाते हैं, अब कुछ हम एंट्री करते हैं, पेमेंट का हम करते हैं एंट्री यहाँ पर 500। तो क्या इंडेक्स पे 500 आया, ठीक है 500 आ गया। अब फ्रेंड्स हमें इसमें भी बैलेंस को फार्मूला लगाना है, तो क्या करेंगे इजिकल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है 25 ही है तो सिलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर आ जाते हैं कॉमा, फिर से इस साइड वाले को हम बैलेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है इस तरह से, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 850 माइनस में नहीं है क्योंकि ज़्यादा पेमेंट हुआ है और रिसीव ज़्यादा हुआ, पेमेंट कम हुआ तो माइनस में 500 ही है। अब मैं पे 200 और एंट्री करता तो देखिए वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है, कोई सीट नहीं है, तो गो पे क्लिक करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो सीट लिंक टाइप कर देंगे सीट नेम, तो ऑटोमेटिक काम कर जाएगा ये। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर नेम्स है, तो नेम्स वाले टाइप कर देंगे तो इस पर चला जाएगा। देखिए नेम्स टाइप कर दिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे अब नेम्स वाले सीट पर आ गए। तो इस तरह से इंडेक्स पे चले जाते हैं और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सीट नेम टाइप करेंगे, गो करेंगे, उस सीट पे हम पहुँच जाएंगे जो सीट रहेगा। अब फ्रेंड्स इसमें आप चाहें तो कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे कंडीशन आपको पता होगा कि ग्रीन ब्लू करने के लिए, कि मान लीजिए कि यहाँ पर कंडीशंस है हाईलाइट सेल रूट और ग्रेटर देन, यदि जीरो से ज़्यादा है तो यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए। ओके फिर से सिलेक्ट कर लेंगे लास्ट डे, यदि जीरो से कम है तो रेड होना चाहिए। ओके इसी तरह फ्रेंड्स आप चाहें तो मास्टर शीट पे भी लगा सकते थे, यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट के लिए यहाँ पर भी लगा सकते थे, माइनस प्लस में आ जाता। तो ये कंडीशन है, बहुत इजी चीज़ है, आप थोड़ा बहुत हमारी वीडियो पहले भी है, उस वीडियो को वॉच कीजिए तो पता लग जाएगा कंडीशन कैसे लगाते हैं, कंडीशन आप देखा भी दिया कि कैसे लगाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम सीट को डिजाइन कर सकते हैं और पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं एक्सेल में। तो वैसे फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो बताइए फ्रेंड्स आपको यह वीडियो, यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। मैं पूरा सीट आपके सामने डिजाइन करके दिखाया। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक पे। फ्रेंड्स यदि आप इस सीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से हमारे colorforbeginner.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।